नमस्कार दोस्तों, हमारे आंगनबाड़ी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं, आज के लिए फिर से एक वीडियो लेके आए जो आपके लिए खास है। जो देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका यहाँ पे चिट्ठी दिया गया है, जो यहाँ पे ICDS संचिका संख्या जो है यहाँ पे दिया गया है, और दिनांक 15/15/2021 का यहाँ पे चिट्ठी दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चीज़ के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे सेवा में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है इनके लिए। तो यहाँ पे दिया गया है विषय में, आपको यहाँ पे विषय में दिया गया है आंगनबाड़ी केंद्र पर माह फरवरी 2021 का पोषण प्राप्ति प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली के माध्यम से करने के संबंध में। तो आपको यहाँ पे फिर से आपको बताया गया है कि यहाँ पे टोकन के बारे में इसमें कुछ चिट्ठी आई है जो फरवरी का है। तो चलिए देखते हैं कि कब तक आपको यहाँ पे फरवरी माह का टोकन आ सकती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है महाशय, तो उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि उपर्युक्त विषय में कहना है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण टोकन प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब सभी आंगनबाड़ी बहना जो है सो टोकन प्रणाली से वितरण कर रहे हैं। तो इसी के बारे में चिट्ठी दिया गया है। तो निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्र पर माह फरवरी 2021 का पोषण प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली के माध्यम से दिनांक 15/2/2021 से 28/2/2021 तक पोषाहार वितरण किया जाना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे डेट भी दिया गया है कि 15/2/2021 से लेके आपको 28/2/2021 तक पोषाहार वितरण किया जाना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चिट्ठी में बताई गई है कि 15 तारीख से लेके और यहाँ पे 28 तारीख। तो ऐसे हम तो खोल के देखें, अभी यहाँ पे दिसंबर माह का ओटीपी आपको यहाँ पे वहाँ पे शो नहीं करता है। तो आप देखिए कब तक आती है। तो चिट्ठी के अनुसार यहाँ पे दिया गया है कि 15 से 28 तक के आपको पोषण वितरण किया जाना है। तो आपको यहाँ पे नीचे में दिया गया है, फिर से आपको नीचे में दिया गया है कि अतः सभी महिला परिवीक्षाओं एवं सेविकाओं के निर्देशित किया जाए कि टोकन प्रणाली सत्यापन के माध्यम से दिनांक 15/2/2021 से लेकर 28/2/2021 तक पोषाहार वितरण करना अनुचित किया जाए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है कि आपको यहाँ पे 15 से 28 तक आपको पोषण वितरण किया जाना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चिट्ठी आज के दिनांक में दिया गया था कि आपको यहाँ 15 से लेकर 28 तक के है। तो ये कल भी गिर सकती है या परसों भी, आप अपना वेबसाइट खोल के आप देख सकते हैं। तो जब आएगा तो आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया जाएगा ओटीपी प्रणाली। तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि किस प्रकार से आपको सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना होगा, कहाँ पे क्या होगा। तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखा। स्वागत है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को इस तरह से दबा दीजिए और आपको नए नए वीडियो हमेशा मिलते रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिसंबर और जनवरी ही शो कर रहा है। इस प्रकार से आपको जब तक आपको जैसे ही ओटीपी आएगा तो आपको यहाँ पे दिसंबर और जनवरी नहीं लिखेगा। तो आपको कुछ इसमें आपको यहाँ पे अपडेट आएगी इस प्रकार से, जो आपको यहाँ पे दिखा दें कि किस प्रकार से आपको अपडेट आएगी। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है दिसंबर और जनवरी, तो यहाँ पे फरवरी का भी यहाँ पे आएगी। तो किस प्रकार से आएगी, तो आपको यहाँ पे ऐप में दिया गया है यहाँ पे ऐप वर्जन 3.1, तो यहाँ पे ये भी चेंज होगी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाएं। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको सर्च करना है आंगनबाड़ी वेरिफिकेशन। तो आपको इस प्रकार से आपको आंगनबाड़ी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में आंगन लाभार्थी वेरिफिकेशन है, तो इस प्रकार से आपको रहेगी। और यहाँ पे जो दिया गया है ओपन, यहाँ पे ओपन दिया गया है ना, तो आपको यहाँ पे अपडेट का आएगा।
तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपडेट का मारना होगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करने देना होगा, तो आपको हमें ऑटोमेटिक आपको अपडेट हो जाएगी। और वहाँ पे आपको वहाँ पे अंदर जाने के बाद आपको दिखा दी जाएगी फरवरी माह का ओटीपी का लाभार्थी भी आपको शो कर देगी, जो इस प्रकार से आपको शो करती थी तो करने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जैसे मैं आप यहाँ पे जनवरी का चेक करते हैं, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे दिसंबर में आ जाएगी, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपडेट आ जाएगी। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू हमारे यूट्यूब में बने रहने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।